Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So, ये आपके लिए वीकली होरिस्कोप है फॉर द मंथ ऑफ फैब. सो फर्स्ट वीक आपका कैसे रहने वाला है? और आई नो यू ऑल वर वेटिंग फॉर दिस वीकली होरिस्कोप. लास्ट वीक के लिए आप सभी का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था एंड कुछ रीज़न की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एंड डेफिनेटली मैं हर वीक इस वीकली होरिस्कोप को लेकर आऊँगी. एंड आप सब कहते हैं ये बहुत रेजोनेट होती है, हमको बहुत हेल्पफुल होती है. सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी. एंड ये जो वीक है फैब का वो है totally about you. So when this is all about love, the fab is all about love, so why not the self love. So first humko self care, self love se start karna chahiye is week ko, and uske baad ye pura month hamare liye ek lovable month rehne wala hoga. Okay, so with good hope and positive energy is reading ko hum start karte hain. Ye main aapke weekly prediction karungi on the basis of your zodiac sign. So aapka date of birth ya aapka name, जिससे भी आपका जोडिक साइन आपको पता है आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने सेल्फ केयर कार्ड्स भी लिए हैं जो मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स को ओपन करूँगी. एंड फ्रॉम द टैरो एज वेल आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है इस वीक के लिए, वो भी शेयर करूँगी. सो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें और हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं. और अगर आपको अपने लिए डेली टैरो गाइडेंस जाननी है सो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ और आप उसको देख सकते हैं, आप उसका पार्ट बन सकते हैं. सो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए. मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है. ऑलराइट, सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ विद द एरीज. सो एरीज हाय, आप में से जो भी लोग एरीज हैं आप मुझे यहाँ पर हेलो बोल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें गुड लक, फॉर्च्यून एंड ब्लेसिंग्स. ये आपके लिए बहुत बेटर मंथ होगा एंड ओवरऑल इस वीक को अगर स्पेसिफिकली बोला जाए. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ये मंथ ही ऐसा है बहुत ही ब्यूटिफुल. सो लेट्स सी. So first is for Aries. All right, judgment and ten of cup. Okay, so here I would like to say Aries, आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आया है as per the judgment, firstly इस वीक के अंदर आपका हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में ना रिजल्ट आने वाला हो, या आप किसी एग्जाम, किसी इंटरव्यू, anything which is going to give you the judgment कि आपके साथ क्या होगा, आपके साथ आपके फेवर में रिजल्ट रहेगा या नहीं रहेगा. वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कमिटमेंटशिप आपकी लव लाइफ का, या फिर आपकी मैरिज से रिलेटेड यू नो एक नया प्रपोजल आए और उसमें आपके लिए कि वो हाँ या ना, इस तरीके से एरीज जजमेंट यहाँ कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो वीक है ये आपको डिसाइड करेगा कि आपको एक हैप्पीनेस मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिलेगी, या उसके अंदर आपके लिए यू नो डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है. सो ये वीक बहुत, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा वीक है या बहुत गंदा वीक है. ये वीक ऐसा वीक है कि जिसमें आपको बहुत चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी कि इज़ इट इज़ फॉर यू, आपको इसमें सक्सेस मिली या नहीं मिली. ठीक है, सो ये वीक में आपके एग्जाम्स भी हो सकते हैं. सो विश यू अ वेरी गुड लक, मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यू नो हो सकता है आप इस बोर्ड एग्जाम से हैं या फिर आपका कोई इंटरव्यू है या यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि आपके लिए इस वीक का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन बनेगा या आपकी सैलरी इंक्रीज होगी क्या नहीं होगी. सो जजमेंट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों में डिसीजंस आने वाले हैं सो फैब में. तो आई मस्ट से कि विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक. ठीक है, अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव हार्डवर्क करते रहें. अपनी जितनी इंटेंशन प्योर रखेंगे उतना ज़्यादा आपके फेवर में ये रहेगा, क्योंकि जजमेंट इज़ ऑल अबाउट एंजल्स, गॉड इज़ वॉचिंग यू, और आपके जैसे कर्मा है उस बेस पे आपके लिए रिजल्ट होगा. ओके, इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आया है एरीज टेन ऑफ कप. सो इट इज़ ऑल गिविंग मी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. यू नो टेन ऑफ कप इट्स ऑल कि आप रिसीव कर रहे हैं, आप हैप्पीनेस रिसीव कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं. सो यू कैन सी, यू कैन सेंस इट लाइक यू नो जजमेंट आपके फेवर में रहने वाला है. आपको सेटिस्फाई होगा अपने वर्क प्रोफाइल से, अपने रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस मिलेगी. एरीज आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा. इमोशनली यू विल बी वेरी वेल बींग. ठीक है, हेल्दी रहने
होने वाली हैं आपकी हेल्थ और आपका रिलेशन और आपकी खुद की एक मेंटल हेल्थ को अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे एज पर द टेन ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और यू हैव लाइक लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पी वाइब्स आपके आसपास रहेंगी. ओके, सो एज पर दिस द मून, दिस इज़ ऑल लाइक कंप्लीटनेस, आपके लिए कंप्लीटनेस आ रही है, यू कैन सेंस. ओके, सो आपकी लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं उसके बेसिस पे ये वीक आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल वीक होगा. ओके, नाउ अबाउट दिस आई मस्ट से, नाउ लेट्स सी, एक मैं आपको ज्योतिष साइन बता देती हूँ. लिब्रा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, मींस लिब्रियंस कोई भी जो ज्योतिष साइन इससे बिलोंग करते हैं, अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड है या फिर आपके पार्टनर हैं या फैमिली मेम्बर, सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे. नाउ फ्रॉम द सेल्फ केयर एज वेल, लेट्स सी वॉट इज़ कमिंग, क्योंकि अगर ये बात है लव की और फैब, सो सबसे पहले सेल्फ केयर होनी चाहिए. सेल्फ लव इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू कैन लव अदर्स, देन ओनली यू कैन शेयर योर लव विद अदर्स. सो आपके लिए जो भी गाइडेंस आएगी इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग. फैब मंथ बहुत ज़्यादा हीलिंग के लिए बेटर है, सो दैट्स वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस ओरेकल कार्ड फॉर यू. सो आई होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एरीज. ओके, सो टू कार्ड्स आर हेयर, नरिशिंग योर टेम्पल एंड प्लान अ वोकेशन. ओके, सो एरीज आपके लिए सबसे पहले दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज. आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना होगा. आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को अगर आपको चेंज करना है, आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके समझ में नहीं आ रहा, इट्स द टाइम कि आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, सो द टाइम इज़ टू टेक द वोकेशन. ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, जो भी चीज़ है जिसका डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए पहले थोड़े के लिए टाइम निकाल लीजिए. सो आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, फॉर दैट आप वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग ऑल्सो, सो गिव अ थंब अप, आप मुझे बता सकते हैं अगर आप फैब में ट्रैवल कर रहे हैं. सो या दिस इज़ यू. ओके, अनदर दिस इज़ कमिंग एज ए एक्शन. ठीक है, आपको करने हैं ये. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नरिशिंग योर टेम्पल, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज, यू नो, आपको अपनी एनर्जी अपना आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, यू नो, आपको अपने आप को नरिश करना है, अपनी बॉडी को नरिश करना है, अपने माइंड को नरिश करना है. ये दोनों ही थर्ड आई चक्र आया है, थर्ड आई. ठीक है, और यहाँ पे भी, सो दिस ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि आपको अपने मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे से, यू नो, हील अप करना है. सो यू हैव टू ब्रिंग लाइक पॉजिटिविटी और अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी. यू नो, यू कैन सी द हेल्थ हेल्दी. ओके, सो पूरी बॉडी ही रिवाइव हो रही है, हील अप हो रही है. सो हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड एट योर पार्ट. सो आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं. अब नाउ दिस इज़ यू एंड एरीज, ये जो वीक है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, लव इमोशंस को लेके बहुत सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है. ऑलराइट, सो आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी. सो डू लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं. फॉर दिस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं. ओके, सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो टॉरस, नाउ दिस इज़ योर टर्न. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है और ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, एज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वीक आपके लिए, क्योंकि फैब है. सो आई एम वेरी होपफुल फॉर यू. सो लेट्स सी गाइज, आपके लिए ये वीक के लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है एंड आपके लिए क्या मैसेज होगा फ्रॉम दिस सेल्फ केयर एज ए हीलिंग, क्योंकि ये फैब जो मंथ है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं यहाँ पे इस मंथ में बहुत एम्फसाइज करूँगी आपकी हीलिंग के लिए, जो जो टिप्स और जो जो रेमेडीज एंड बेनिफिट्स मैं आपको बता सकती हूँ. आई विल ट्राई टू गिव यू द डिटेल्स आगे की सारी रीडिंग्स में, तो जस्ट स्टे ट्यून विद मी. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू फोर ऑफ पेंटिकल एंड अनदर इज़ फोर ऑफ सॉर्ड. ओके, सो टॉरस आपके लिए काफ़ी इक्वालिटी आ रही है यहाँ पे, पेंटिकल एंड सॉर्ड दोनों चीज़ आई हैं. सो ये वीक आपका काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक रहेगा. ठीक है, मोर फोकस ऑन योर वर्क, मोर फोकस ऑन योर इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, योर मनी, हाउ यू आर मैनेजिंग, उसमें कितना आपको इन्वेस्ट करना है. इस वीक में आप ज़्यादा अपने पूरे मंथ का जो फाइनेंस है उसको भी चेक इन कर लेंगे. आप उसमें सोच लेंगे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है और डू यू हैव इक्वल और नॉट. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज आ रहा है एज़ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स की, आप जितना
जितना डिज़र्व करते हैं उतना आपके पास होगा, आप उतना सेव कर पाएंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी अच्छी जॉब या हाई सैलरी के लिए, सो दिस वीक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड हो सकता है कि आपको अच्छी न्यूज़ भी मिल जाए, ठीक है। सो एज़ पर दिस लाइक आपके लिए दोनों के लिए दोनों में बैलेंस आया है, मीन्स आपने जितना इन्वेस्ट किया अपना माइंड, जितना आपने इंटेलिजेंस इन्वेस्ट की, यहाँ पर मैं जस्ट बिजनेस और करियर से रिलेटेड नहीं बोलूँगी, इवन एज़ पर दिस लाइक फोर ऑफ सॉर्ड, सो कहीं ना कहीं आपको आपका जो माइंड सेट है वो आपको ज़रूर यहाँ इस टाइम पर इस वीक में आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अपने वर्क के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ये वीक बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंफोसाइज करेगा कि आपको सोचने को मजबूर हो जाएंगे आपकी आगे का क्या प्लान है, ठीक है। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट योर प्लानिंग, आप वो मनी से रिलेटेड करें या अपने वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड करें या अपने एग्जाम से रिलेटेड करें, कहीं ना कहीं मेंटल प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है आपका, ओके। सो टॉरस, ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बेटर है रैदर दैन लाइक अदर वीक, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको फाइनेंस कितना रहने वाला है, कैसा रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा। आपकी खुद की स्टेबिलिटी, इवन हो सकता है कि आप थोड़ा सा आइसोलेटेड रहें इस वीक में, आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिलें, आप ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं करें, हो सकता है आप घर पर ही रहें, ठीक है। मीन्स बहुत ज़्यादा आपका सोशलाइजेशन इस वीक में नहीं आ रहा है। All in all is like you are thinking, you are planning and another is you are protecting yourself. So आप अपने secrets या आपने अपनी बातों को share इस week में नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा reserved आपकी यहाँ पर energy मुझे दिख रही है, okay. So Taurus, now let's see what else is coming for you आपके लिए इस week के लिए self care, क्योंकि Feb is all about love. So आपको अपने self love से start करना चाहिए. So आपके लिए जो भी message आएगा I will share with you. So first is look to the star and you can see the star and the star, okay. So this is all like your own meditation. And another card is all look for fairies. Wow. So here I can say to you, as per look to the star, the message is coming here कि आपकी self healing की आपको बहुत ज़रूरत है और this is the time कि आपको अपने लिए meditation, अपने लिए self analysis, self plannings, आगे के future के लिए plan, खुद को अपने लिए revive करना होगा, ठीक है। So ज़्यादा से ज़्यादा time आप अपने आप ही अपने साथ ही spend करेंगे और लोगों से ज़्यादा contact connection नहीं दिख रहा है। More और more आप अपने आप से बात करेंगे, अपने लिए clarity लेंगे, आप अपने लिए plan करेंगे कि इस मंथ में क्या हो सकता है, क्या मैं और आगे के लिए फर्दर मैं कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करूँगा या करूँगी, ओके। सो लुक टू द स्टार इज़ ऑल अबाउट योर इमेजिनेशंस, बी पॉजिटिव एंड जो आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको आपको उनमें फेथ रखना होगा, आपको गॉड में बिलीव रखना होगा। दिस इज़ व्हाट कमिंग कि यूनिवर्स की तरफ आपको अपना अटेंशन और ज़्यादा देना है, ठीक है। सो यूनिवर्सल एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी चॉइसेस, आपके ड्रीम्स फुलफिल ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ आपके लिए है लुक फॉर फेरीज, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज, कहीं ना कहीं आपको अपने आप में ही नेचर से कनेक्ट होना होगा और मिरेकल्स हैपन्स और आपको इन चीज़ों में बिलीव रखना होगा। टॉरस, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ सॉर्ड, टोटली इमोशनली कुछ नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड बहुत यूज़ कर रहे हैं और प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, ओके। सो यूनिवर्सल एनर्जी हमें हमेशा सपोर्ट करती है एंड यू हैव टू बिलीव इन दिस, देन ओनली गुड थिंग्स विल कम टू यू, ओके। सो आई होप टॉरस यू हैव नाउ द क्लियरिटी अबाउट दिस वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपको क्या करना है, एक्शंस क्या लेने हैं, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड विद दिस अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, गो एंड चेक एंड यू कैन बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ, ओके। सो दिस इज़ ऑल एंड विश यू अ वेरी गुड लक, बाय, टेक केयर। Hi Gemini, how are you? I hope you all are doing well and very ready to to listen this कि आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। It is all about you. So month Feb है, it is all about love and healing. So let's see first week के लिए क्या messages हैं। Okay, Emperor and another is Three of Pentacle. Okay, so here I would like to say to all of you, Gemini, aapke liye as per the Emperor, the time is all about like learning,
एंड टेकिंग द गाइडेंस. ओके, सो ये एक इस तरीके का आपका वीक होगा जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस, और हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो बहुत मैच्योर है, जो आपको गाइड करेंगे. और हो सकता है अगर आपको ज़रूरत है इस टाइम, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ यू नो यू आर रियली फीलिंग कि बहुत ट्रबल चल रही हैं, वो मेंटल हो या वो फिनेंशियल हो या इमोशनल हो, सो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए. ओके, सो एज़ पर द एम्परर, एक एक्सपीरियंस पर्सन से. और अगर आप यू नो इस वीक के लिए मैं आपके लिए बताऊँ, तो हो सकता है कि आप अपने बॉस से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, उनसे आपका 1-on-1 भी हो सकता है, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है, या फिर योर क्लाइंट्स. और यू नो ये वीक मोस्ट अर्ली आपके लिए कैसा रहेगा कि जिसमें यू विल गोइंग टू फील कि यस आई एम लर्निंग समथिंग, एंड वो भी एक ऐसे पर्सन से कि जो डिजर्व करते हैं, मीन समवन हु इज़ वैल्यूड, यू नो एक इंपॉर्टेंट पर्सन से आपकी मीटिंग 1-on-1 कन्वर्सेशन हो सकता है. और इवन वो एक फादर भी हो सकते हैं या फिर वो एक फादर फिगर. ठीक है, सो एज पर द एम्परर द मंथ एंड इस वीक के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, सो ये आपके लिए काफ़ी लॉजिकल वीक होगा. और आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोकस करने वाले हैं अपनी वर्क लाइफ पे और अपनी स्टेबिलिटी पे. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ दिख रहा है जेमिनाइन, अपने करियर को लेकर शायद कन्फ्यूज़ हैं, या फिर आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ को करने से पहले, कोई नई चीज़ हो या फिर चीज़ें उसमें थोड़ा सा अनट्रेन या न्यू भी फील कर रहे हैं कि नया पर्सन. ठीक है, सो द गाइडेंस इज़ कमिंग एंड इवन द प्रेडिक्शन इज़ कमिंग कि यस यू हैव टू मीट समवन 45+ एज के, जो भी कोई पर्सन है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस वीक में. आपकी उनसे कम्युनिकेशन से हो सकता है बहुत सारी बातें जो अभी तक रुकी हुई हैं वो भी बन जाएँ. ओके, इवन वो आपकी मीटिंग आपके यू नो आपके पार्टनर के पेरेंट्स से भी हो सकती है. हो सकता है कि आप एक दूसरे को मिलवाना चाहते हों या के लिए प्रपोजल आने वाला है. ठीक है, सो दिस इज ऑल कमिंग एज अ जेमिनाइन इस वीक में. और अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज द 3 of Pentacles. समहाउ यू नो कहीं ना कहीं आपकी जो अनस्टेबिलिटी आ रही है वो था आपकी ग्रुप में हो, आपके कलीग्स एक दूसरे में हो, या फिर फ्रेंड जोन में हो, या आप और आपके पार्टनर के बीच में हो. यहाँ पे कुछ क्राइसिस दिख रहे हैं मुझे, वो फिनेंशियल हो या फिर यू नो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात हो. सो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए थोड़ा फिनेंशियली बहुत मेजरली बहुत बेनिफिशियल नहीं रहेगा. सो आपको अपने फाइनेंस को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए कि क्या वो यू नो आप पूरे मंथ उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. फर्स्ट वीक में ही ओवर एक्सपेंस करना आपके लिए बेटर नहीं रहेगा. यहाँ पर मैसेज आ रहा है, सो कुछ भी जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में ध्यान दें. ओके, वो मनी हो या टाइम हो आपकी या इमोशंस हो, उन चीज़ों में आपको ऑब्जर्व करना होगा. थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर दिख रहा है. सो हो सकता है कि आप और आप बहुत अच्छे से अपनी प्लान्स करें, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके उनमें इन्वॉल्वमेंट से डिस्टर्ब कर दे, वो रिलेशनशिप हो या फिर वो आपका ओन वर्क या आपके यू नो इन योर ऑफिस और एनीथिंग. सो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी बहुत आ रहा है आपके लिए इस वीक में. बट द बेटर इज़ दिस कि एज़ पर द एम्परर ये वीक आपके लिए सक्सेसफुल वीक ही बन जाएगा, क्योंकि आपको एक ऐसे पर्सन से मीटिंग हो सकती है, या फिर अगर अभी आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ज़रूर मिलें जो आपके जिस भी हर्डल में है उससे एक्सपीरियंस में हो. ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन से मिलना है. ऑलराइट, एंड नाउ जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि फैब में आपको ज़रूर अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए. मैं इसी थीम के साथ इस मंथ को लेके जाऊंगी, सो स्टे ट्यून विद मी होल ऑफ दिस मंथ. आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा, अपनी हीलिंग के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी. सो फर्स्ट इज लुक फॉर फेरीज, नाइस. अनदर इज बी स्टिल. ओके, सो द मैसेज इज कमिंग हेयर यू नो ऑन एंड अराउंड. इफ आई विल से आपके लिए जैसे एम्परर एंड द पेंटिकल्स आए हैं, सो बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका बिलीव खत्म हो रहा है. ठीक है, आपको होप एंड फेथ कम रह रही है, क्योंकि आपको हर्डल्स फेस करने पड़ रही हैं, वो फेलियर्स हों या डिसअपॉइंटमेंट हो या आपके लिए रिजेक्शंस हों, वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ ट्रू. ठीक है, और आपके बॉस की तरफ से स्ट्रिक्टनेस भी हो सकती है. सो दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, थर्ड पार्टी का
इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में हो, एनीथिंग, हर्डल्स आर देयर. सो नाउ आपकी कुछ चीज़ों में ना आपको अपने आप में ऐसा लगता है कि शायद नेगेटिविटी है, होप ख़त्म कर रहे हैं आप अपनी, जो आपको नहीं करनी है. फेरीज आर लुकिंग फॉर यू, तो फेरीज आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप उनको वैल्यू देंगे, जितना ज़्यादा आप फील करेंगे कि यूनिवर्सल एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है, सो वो भी आपको कहीं ना कहीं एक सक्सेस के पाथ पे एक क्लियरिटी आपको मिलेगी. ठीक है, सो हेयर आई वुड लाइक टू से एज पर द लुक फॉर फेरीज, अब आपको होप और फेथ अपने अंदर मेंटेन रखना होगा. विदाउट होप कुछ नहीं पॉसिबल होगा. ठीक है, सो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और नेगेटिव, या फिर यहाँ पे बोलूँगी पैसिमिस्टिक मत होइए. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस बी स्टिल. सो द मैसेज इज़ कमिंग, कहीं ना कहीं राइट टाइम इज़ ऑल अबाउट योर हीलिंग. सो आपको योगा या मेडिटेशन इस तरीके से अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए. यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर थिंकिंग एंड कीप ऑन क्लैशिंग विद एवरीथिंग. सो नाउ द टाइम इज़ टू रिलैक्स, अपनी माइंड को थोड़ा सा काम कीजिए और एनर्जी रीएनर्जाइज हो जाइए और रेजोनेट होइए, एंड देन यू कैन सी द थिंग्स. दिस इज़ बी स्टिल, आई कैन सी, आपको मैं बता देती हूँ ऐसे इमेज करके कि नाउ द टाइम इज़ टू जस्ट बी पोलाइट, एंड अपने माइंड को आपने एकदम ब्रेक दे दीजिए, जिससे कि आपको एक नए आइडियाज़ आ जाएं, आपको एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट हो. सो आइडियाज़ जब ही आएंगे जब आप अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से बचाएंगे या फिर नेगेटिविटी से हटाएंगे. ओके, सो जेमिनाई दिस इज़ ऑल फॉर यू, एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी, सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. उसके लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो डायरेक्टली जाके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर. हाय वर्गो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंड ओवरऑल आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा एज पर द टैरो. आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या बोलता है. ओके, सो अपने आप ही कार्ड आ चुके हैं, एंड ऑलरेडी वैसे तो मैं बस टू ही कार्ड्स पुल आउट कर रही थी, लेकिन आपके लिए थ्री आ चुके हैं, सो आई विल टेक थ्री. ओके, सो फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट, आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड. ऑलराइट, सो फर्स्ट इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड, अनदर इज़ सिक्स ऑफ कप, नाइस, एंड दिस इज़ एट ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके लिए वर्गो, फर्स्टली आपके लिए आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम टू नाउ टू टेक द लीड. अब आपको अपनी इस वीक में हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने पड़े, और उसके लिए आपको अपना माइंड यूज़ करना हो. ठीक है, सो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ योर रियलिटी. ओके, आप ओवर ऑप्टिमिज्म या फिर अपने बाय योर हार्ट आप इस वीक में नहीं चल सकते. ये वीक आपके लिए ज़्यादा आ रहा है कि आप लीड करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे. ये वीक आपके लिए बहुत विक्ट्री वाला वीक होगा. ठीक है, सो ऑफिस में या फिर अपने एग्जाम्स में या इंटरव्यू में या एनीवेयर वेयर यू आर लाइक समवन, जहाँ पर आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं, वो घर हो या फैमिली लव लाइफ हो या फिर आपके लिए ऑफिस, वहाँ आप अपना अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी स्टेबिलिटी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील करेंगे. हो सकता है आपको रिवॉर्ड या फिर आपका एक appreciation भी आपको मिले. ओके, एंड यू हैव स्टक इन समथिंग, सो दिस इज़ द टाइम टू टेक द डिसीजन एंड देन लीड. ओके, सो डिसीजन लेके आगे बढ़ने के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज़ कमिंग एज सिक्स ऑफ कप, सो यू कैन सी सिक्स ऑफ कप द मून. सो मैसेज इज़ कमिंग, कहीं ना कहीं आपके जो लव रोमांस इस वीक में रहेगा, आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं. हो सकता है कि आपके लिए जहां आपकी कुछ चांसेस बन रहे हैं, लाइक यू हैव दैट क्रश और यू आर सिंगल बट यू हैव दैट होप कि वो पर्सन आपसे बात करेंगे. सो ये वीक काफ़ी लव एंड रोमांस का आ रहा है. ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ गिफ्ट भी दें या फिर सरप्राइज़ कुछ बात बताएं, कहीं की प्लानिंग या फिर कुछ कहीं वोकेशन, कुछ ना कुछ इस वीक में आपको वेलकम होगा. मीन्स एक गुड न्यूज़ आप वेलकम करेंगे जो इमोशनली आपको बहुत हैप्पीनेस देगी. ठीक है, सो स्पेसिफिकली इट्स ऑल अबाउट, हो सकता है पुराना कोई फ्रेंड या फिर एक्स या फिर जिनका आप वेट कर रहे हैं, लाइक यू आर वेटिंग कि वो कॉन्टैक्ट करें, जिनसे जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे बात नहीं हो रही, वो भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एक ओल्ड फीलिंग, एक चाइल्डहुड फीलिंग्स यहाँ आ रही हैं कि कोई ना कोई आपसे, कोई पुराना आपसे कॉन्टैक्ट करेगा. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट,
दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट एट ऑफ वॉन्ट्स. आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है, फायर साइन यहाँ पर आ रहा है सन, एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप लीड करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, यू आर हैप्पी एंड यू नो आप आगे बढ़ रहे हैं. आपकी एनर्जी बहुत यू नो एंथुजियास्टिक है, आप एक्साइटेड हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं. सो आपके पास बहुत सारी गुड न्यूज़ आएंगी. ये वीक आपके लिए बहुत सक्सेसफुल वीक होगा, वो वर्क लाइफ हो, वो इमोशनल लाइफ हो, या वो आपकी पर्सनल एनर्जी हो. आप अपने आप में नेगेटिव नहीं फील करेंगे, आप अपने आप में बहुत खुश होंगे, हैप्पी. हो सकता है कि आप इमोशनली जहाँ वेट कर रहे हैं जिन चीज़ों का, वो फुलफिलमेंट मिले. दैट्स वाई यू विल गोइंग टू फील सो सो हैप्पी एंड यू नो एनर्जेटिक. फायर साइन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यू नो आपकी खुद की पॉजिटिविटी दूसरों को भी हेल्प करेगी. आप लव शेयर लव को शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं यू नो नए आइडियाज़ लेके आगे एंथुजियास्टिकली जाएंगे. सो अगर एग्जाम टाइम चल रहा है या फिर यू नो एक ऐसा फेज चला है कि जहाँ पे लर्निंग है और यहाँ पर एक तरीके से आपके जजमेंट आने वाला है रिजल्ट, सो वहाँ पे आपका बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा. ओके, सो इट्स वेरी लकी फॉर यू, यू नो फर्स्ट वीक काफ़ी अच्छा आ रहा है. एंड नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू फ्रॉम द सेल्फ केयर. यहाँ पर मैं आपके लिए एक ही कार्ड पुल करूँगी क्योंकि मैं दो दो कार्ड पुल कर रही थी दोनों से, सो एक्स्ट्रा आपके लिए आ चुका है फ्रॉम द टैरो. सो लेट्स सी. So let's see. Sound healing. Okay. So the message is coming here for you. You know, अगर आपको अपनी healing चाहिए और कहीं ना कहीं ये मंथ आपके लिए हीलिंग का है क्योंकि फाइव इज़ ऑल अबाउट लव. सो आपको अपने ही आप से ही अपनी केयर अपनी सेल्फ लव से स्टार्ट करना चाहिए. सो डियर आपके लिए आ रहा है साउंड हीलिंग. सो यू कैन गो फॉर चक्रा हीलिंग्स. ओके, और साउंड हीलिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक यू नो द साउंड जो हमारे वाइब्रेशन रेज करते हैं और हमारी जो एनर्जी है हमारी चक्राज हैं उनको अलाइन करती है. सो आई होप यू कैन सेंस एंड यू कैन गो देयर. आप एक सेशन ले सकते हैं, यू नो एक हीलिंग सेशन ले सकते हैं, एनीथिंग, बट गो अहेड. आपको अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है सो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, और अगर किसी कॉन्सर्ट में जाना है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं. दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक कि साउंड आपको हील करेगा. सो गो विथ दैट. ओके, सो ऑल राइट. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू रियली लाइक दिस रीडिंग. सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट भी करी होगी. सो लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरा इंस्टाग्राम आई डी एंड इवन मेरा वेबसाइट जिस पर आप रीडिंग अपॉइंट कर सकते हैं अपने लिए, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सो सी यू अगेन. टिल देन टेक केयर. बाय. Hi Cancer, I hope you all are doing well. I hope you are very excited as well because Feb month है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा happy and you know I wish कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये successful month रहे. So let's see, देखते हैं आपके लिए क्या prediction है for the first week of Feb. इस week के लिए क्या message आ रहे हैं and self care से भी मैं आपको बताऊँगी healing के लिए, क्योंकि ये month हमारा healing का month है. और definitely stay tuned with me whole of this month. मैं आपको videos में कुछ ना कुछ healing की points, tips बताती रहूंगी. सो फर्स्ट थिंग इज फोर ऑफ कप. ओके, एंड अनदर इज इट इज ऑलराइट द मून. ओके, सो कहीं ना कहीं यहां पर मैं देख रही हूं और मैं अभी आपके लिए सेल्फ केयर कार्ड भी पुल आउट करूंगी. या सो एज पर द फोर ऑफ कप यू नो एंड दिस इज़ द मून, दोनों ही आपके लिए इमोशनली यहाँ पर कनेक्शन हुआ है. मेजर आकाना मून एंड मून. सो ये वीक आपका बहुत इमोशनल वीक रहने वाला है. वो ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत यू नो पैशनेटली आपने वर्क किया है, जो मेहनत की है, सो इस वीक में आपकी वो चीज़ सक्सेसफुल हो. वो लव इमोशन रिलेशनशिप है या आपकी फैमिली, फैमिली से कॉन्टैक्ट कनेक्शन, उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड, या फिर जिस चीज़ के लिए आप डेस्परेटली वेट कर रहे थे. ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो एज पर द फोर ऑफ कप आई एम गेटिंग द वाइब्स की आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. ठीक है, सो कैंसर दिस इज़ अ टाइम वेयर यू नो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. एंड वॉट एवर यू हैव आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ है वो बहुत कुछ अच्छा है.
आई नो यू आर विशिंग फॉर मोर एंड वो चीज़ आपको मिलेगी. सो ये वीक में आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके यू नो जो जो चीज़ें हैं और जो जो चीज़ें आपकी डिमांड्स हैं, विश हैं, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहेंगे. मोस्ट प्रोबेबली आप इमोशनली काफ़ी अपसेट भी रह सकते हैं. इट्स कमिंग एज रोलर कोस्टर, ठीक है. मैंने आपको बताया कि अच्छा भी होगा और इसमें यह भी होगा कि हो सकता है आपको जो जो चीज़ मिल रही है आप उसमें सेटिस्फाई भी नहीं हो, ठीक है. क्योंकि द वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक यू आर गेटिंग द थिंग्स, यू आर हैप्पी, एंजल्स आर प्रोवाइडिंग यू द थिंग्स, एंजल्स आपकी विशेज को सुन रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा अपने आप में ही जस्टिफाइबल नहीं है. आपके लिए और सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको और चीज़ें चाहिए. सो ये वीक आपके लिए एक तरीके से वेलबींग लेकर आएगा. इमोशनली सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं. सो जैसी आपकी विश है, जैसा आपका मन है, उस पर बहुत मैटर कर रहा है कि मूड आपका बहुत अच्छा भी रह सकता है, हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा यू नो अपसेट भी रहे. मूड स्विंग्स यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं इस वीक में, ओके. सो एग्रेशन भी एंड डिसअपॉइंटमेंट भी, और आप आइसोलेटेड, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप एक टाइम में बोलेंगे कि आप पार्टी करना चाहते हैं, इस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके. सो एक टर्बुलेंस है आपके लिए इस वीक में. इसके साथ साथ मून, सो मून इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज. हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वहाँ से आपको क्लियरिटी मिले कि यू नो जैसा आप सोच रहे थे वैसा है नहीं, और वो पर्सन से आपको एक क्लियर उनसे ना रिजल्ट मिल जाए एक तरीके से, अगर आप वेट कर रहे हैं. क्योंकि एज पर मून यहाँ पर बहुत अनफेथफुल एंड डिसऑनेस्टी मुझे दिख रही है. सो गो एंड यू नो अंडरस्टैंड दैट पार्ट, क्योंकि एज पर दिस आई नो यू आर स्ट्रगलिंग. एंड अगर ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसका रीज़न हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ फेयर नहीं है, लॉयल नहीं है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई यू आर इन दिस जोन, ओके. सो आई होप कैंसर आपको इस चीज़ की क्लियरिटी मिलेगी. अपने मन की सुने, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है. मीन्स कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ सप्रेस कर रही है, हर चीज़ आपकी डिपेंड कर रही है, और आप अपने मन को लेके बहुत उदास हैं. जस्ट आप सोच रहे हैं कि कब क्या कुछ हो जाए. सो दिस इज़ ऑल मून योर सैडनेस, ओके. सो रिमूव द सैडनेस नाउ. लेट मी सी वॉट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेल्फ केयर टू यू. क्योंकि एज पर द टैरो आपकी माइंड सेट बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि आप इमोशनली चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अनक्लियरिटी है, और प्रियर प्रेशर, फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है. सो उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेल्फ केयर टू यू. ऑलराइट, म्यूजिक एंड अनदर इज़ मूवमेंट, ओके. सो द मैसेज इज कमिंग हेयर फॉर यू. यू नो कहीं ना कहीं आपके लिए साउंड हीलिंग बहुत वर्क करेगी. सो अपने आप को हील अप करने के लिए, क्योंकि इमोशनली आप अपसेट रहने वाले हैं. सो आया भी वही है कि म्यूज़िक, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है. वाइब्रेशन से अपनी फ्रीक्वेंसी, मीन्स म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है उसको आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा सुन सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं. उससे आपकी हीलिंग होगी, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इमोशनली बैलेंस होंगे. इसके साथ साथ आपके लिए है मूवमेंट. सो येस, now the time is to start movement, exercise, gym, yoga, anything you can do, jogging and walking, anything, but you have to. अगर आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है, सो आपको यहाँ पर मूवमेंट करना होगा. now the time is to like you know self care, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है. तभी आप इमोशनल जो है, ये ओवर इमोशनल यहाँ मैं बोलूँगी, या फिर ये जो आउटबर्स्ट हो रहा है आपकी तरफ से, जो आउटबर्स्टिंग हो रही है, ये बैलेंस हो पाएगी, ओके. सो कैंसर, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू रियली गोइंग टू लाइक दिस वीडियो. सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगर ये रेजोनेट करी, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो एंड चेक एंड बुक द सेशन फॉर यू, ओके. सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर. हाई लियो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए इस मंथ, इस वीक के लिए क्या प्रिडिक्शन आ रहा है, ये वीक आपके लिए कैसा होगा. ऑलरेडी वन कार्ड इज पुल आउट ऑलरेडी, लेट्स सी. सो इसको ही देखते हैं सबसे पहले. ऑल राइट, द स्टार. सो लियो, इट्स रियली अमेजिंग, आपके लिए स्टार आया है. एंड नाउ द अनदर वन इज, ओके. सो दिस इज ऑल किंग ऑफ पेंटिकल, ओके. सो हेयर द मैसेज इज कमिंग, यू नो कहीं ना कहीं आप अगर इस टाइम पर अपने आप में ही यू नो एज पर द स्टार, यहाँ पर आपकी हीलिंग भी आ रही है. और इस वीक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आप जैसा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो जो आप विश कर रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं, वो चीज़ें फुलफ़िल हों, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल लाइक यू नो आपको सपोर्ट कर रहा है यूनिवर्स. दिस इज़ द टाइम फॉर योर ओन हीलिंग. अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटा के आपको अपनी विशेज़ को, अपने फेथ को
मेंटेन रखना होगा। ये वीक में आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो गो विद द फ्लो एंड स्मूथ काम स्वीट लवेबल वीक होगा। एंड आई होप आपकी जो विश हैं जैसा आप चाहते हैं इस वीक को वो उसमें ही टर्न अराउंड हो, ठीक है, क्योंकि द सन इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग यू, द स्टार इज़ ऑलरेडी, दिस इज द कार्ड। सो ओवरऑल आपके लिए है कि जो चीज़ें प्लान करनी है, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ना है इस वीक के अंदर, उसमें आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्सल एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, सो आप उस जर्नी से और भी आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल वीक। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्टार इज़ ऑल गिविंग मी दी मैसेज अबाउट योर इमोशंस एज वेल, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गो थ्रू हैं, वो रिलेशनशिप का स्ट्रगल है, तो उसमें नाउ द टाइम इज़ टू हील फॉर यू। ओके, सो हीलिंग की ज़रूरत है, ये टाइम अब ऐसा नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा उनको लव इमोशंस और उनकी तरफ बार बार अपनी तरफ से फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं और वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अपनी वर्थ को आपको समझना होगा। द स्टार इज़ ऑल गिविंग मी दी मैसेज अबाउट योर ओन आइडेंटिटी, ठीक है, अपना रेस्पेक्ट, अपनी वर्थ की तरफ आप आगे बढ़ें। इस वीक में आपके लिए सेल्फ केयर, सेल्फ इमोशन एंड आपकी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करें, ठीक है। सो सोशलाइजेशन इस वीक में नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ आपके लिए आया है पेंटिकल, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ ऑल गिविंग मी दी मैसेज अबाउट यू, यू नो आपके पास इस वीक में काफ़ी सरप्लस मीन्स आपके पास पावर मनी सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। यू हैव दिस मच टू गिव टू, लाइक आपके पास हो सकता है पैट भी हो, सो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ओके, एंड जो 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 चीज़ें आप जैसे चाहते हैं, एनिमल से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है, सो मोर गिविंग मी दी वाइफ दैट कि आपको चैरिटी देना चाहिए एंड लियो आप कुछ ना कुछ एनिमल को खिलाएं, दिस वुड बी अ काइंड ऑफ अ ग्रेट चैरिटी फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास इतना सरप्लस होगा, अगर आप वेट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए मनी पावर एक अच्छी पोजीशन, एक यू नो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ कमिंग सक्सेसफुल। जस्ट वन थिंग, अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हैं इस वीक में, सो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल बता रहे हैं कि आपको मेटेरियलिस्टिकली काफ़ी गेन हो सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें जो होंगी उसके लिए टेक योर टाइम देन डिसाइड। ओके, सो ये वीक आपके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपनी वैल्यू और यू नो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, हो सकता है आपको हर्ट कर जाए किसी की बात, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल टुगेदर। सो दिस इज़ लाइक यू प्राउड, ओके, एंड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कार्ड आ रहा है, सो आपकी अपनी रियलिटी, आपकी अपनी ओन एनर्जी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंसी आ रही है इंस्टीड ऑफ योर इमोशंस। ओके, सो दूसरों की बातों को लेके ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, यही मैं बोलूँगी, क्योंकि हो सकता है आपको हर्ट कर जाएँ और उसके बाद आप उसमें काफ़ी नाराज़ हो जाएँ, हो सकता है अपने पार्टनर से नाराज़ हो जाएँ, फाइट हो जाए। ऑलराइट, इसके साथ साथ ना यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग योर सेल्फ केयर, क्योंकि ये मंथ हमारा लव मंथ है, सो डेफिनेटली स्टार्ट विद योर सेल्फ केयर, सो बी स्टिल। ओके, एंड अनदर इज ऑल राइट प्लेजर, सो दिस इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू, यू नो कहीं ना कहीं इस मंथ में ये जो वीक है आपका, ये वीक में बी स्टिल, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा अपने आप में सेंसिबल हो लें, सोच लें, जल्दबाजी में, अग्रेशन में, गुस्से में और यू नो नेगेटिविटी के साथ, ईगोइस्टिक के साथ या फिर ये इम्पेशेंट होकर आप अपने डिसीजंस को नहीं लें। इस वीक में आप थोड़ा सा अपने माइंड को काम कर लें। यहाँ पर बी स्टिल इज़ ऑल अबाउट स्टार, यू नो मेडिटेशन, सो योर सेल्फ हीलिंग। आपको इतना एग्रेसिव यू नो ईगल नहीं बनना है अपने आप में, ठीक है। इसके साथ साथ प्लेजर आ रहा है, सो टेक टाइम आउट फॉर यू नो अपने लिए, अपनी केयर, अपना हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, बाय समथिंग और डू एनीथिंग विच गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ओके, आपकी सेल्फ केयर, सेल्फ लव आ रहा है यहाँ पर, नॉट अदर्स, और इसीलिए यहाँ पर भी आया है कि थोड़ा सा आप स्पेस मेंटेन कर लेंगे लोगों से, किंग ऑफ पेंटिकल। सो कुछ भी चीज़ करनी है इस वीक में, शायद आप अपना टाइम अपने साथ ही ज़्यादा स्पेंड करेंगे और हो सकता है लव रोमांस भी बहुत ज़्यादा आपको मिले, लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ पर एज पर दी स्ट्रेल यहाँ पर दिख रहा है कि बेटर होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन कम करें और अपने साथ ही रहें। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू एंड डेफिनेटली डू केयर अबाउट योर लाइक यू नो सेल्फ केयर, अपने एक्शन ज़रूर लें एंड
आई होप दिस विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ क्लियरिटी. सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. एंड सी यू अगेन. मुझे इस वीडियो को लाइक और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी. सी यू अगेन. बाय. हाय लिब्रा, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज है. टैरो की प्रेडिक्शन क्या आ रही है फॉर अपकमिंग वीक. दिस इज फैब. सो फैब में आपके लिए क्या स्पेशल होगा. सो फर्स्ट इज द हैरोपेंट. अनदर इज वाओ. दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू. यू नो कहीं ना कहीं एज पर द हैरोपेंट मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए सेल्फ केयर कार्ड्स भी पुल आउट करूँगी जो आपकी इस वीक में हीलिंग के लिए बताएंगे, तो आप वो एक्शंस ले सकते हैं. ठीक है. सो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके लिए डिसाइड करूँ एज पर द हैरोपेंट, यहाँ पर आपके डिसीजंस और आपसे रिलेटेड टू यू नो एक सही गलत और डिसीजन इन द सेंस ऑफ कि एक हायर अथॉरिटी, मतलब कि कोई समवन जो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, वो आपके इस यू नो आपके वर्क लाइफ को लेके या इमोशनली आपकी लाइफ को लेके काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे. ओके. आपके लिए गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पर. एज पर द हैरोपेंट ये वीक आपके लिए लकी होगा, ब्लेसफुल होगा. मीन्स आप जो भी काम करेंगे या फिर जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप अपने अगर मैरिज को लेके भी देख रहे हैं, सो यहाँ मैरिज प्रपोजल के बहुत चांसेस हैं विच आर मोर कमिंग, लाइक यू नो कि गॉड की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एंड लकी टाइम इज कमिंग फॉर यू. ओके. सो ओवरऑल इफ आई विल सी एज पर द हैरोपेंट, दिस इज अ वेरी लकी वीक. ओके. तो जिसमें भी आप अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, हो सकता है आपको एक अपनी कंपनी या फिर आप किसी जॉब के लिए जो वेट कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सो उन सब चीज़ों में जो आपके टीचर ने आपको जो गाइडेंस दी है, जो आपके यू नो आपके जो हेड है उन्होंने गाइडेंस दी है, या फिर आपके पेरेंट्स ने जो आपको हमेशा बताया है, उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन आपको करना होगा. उन चीज़ों के बेस पर अगर आप आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ आपके लिए वो सक्सेसफुल होगा और आप अपने लिए गाइडेंस भी ले सकते हैं. ये वीक आपके लिए ऐसा है कि आपको कुछ भी एक्शन लेना है, कुछ भी चीज़ को लेकर अगर आगे बढ़ना है, सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अब जो मैच्योर पर्सन है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उनसे लेके जो उनसे जाएँ, उनसे गाइडेंस लें. ठीक है. लीगल वर्क चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है, सो उसके अंदर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रिजल्ट दिख रहा है मुझको. ठीक है. सो आई मस्ट से यहाँ पर एज पर दिस कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि यू नो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सो दिस इज़ ऑल कि आपके फेवर में होगा, वो लीगल हो या फिर वो आपका रिजल्ट हो, एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. एज पर दिस, दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर सॉर्ड. दिस इज़ किंग ऑफ सॉर्ड. सो किंग ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि यू विल गोइंग टू बिकम द हेड. ठीक है. अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपने अपने माइंड को यूज़ करें. डोंट बी समथिंग कि आप एक दूसरों के कहने पे चल रहे हैं या फिर दूसरे जो बोल रहे हैं उनके कहने पे चल रहे हैं. नाउ द टाइम इज़ टू योर ओन इमेजिनेशन, ओन थिंकिंग. आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, ठीक है, और कम्युनिटी क्या कर रही है, वो लोग क्या करते हैं, उस बेसिस पे नहीं. इंस्टीड ऑफ दिस आपको ये करना चाहिए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, इंटेलेक्चुअली आप कितने स्ट्रांग हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं. ओके. सो दिस इज़ समथिंग, हो सकता है आपके बॉस आपसे बहुत इंप्रेस भी हो जाए इस वीक में और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि आपके लिए सॉर्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियाज़, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, और इसके साथ साथ अगर एक प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, सो यस आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स भी यहाँ पर दिख रहा है. कुछ मुझे सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों का. एंड लेट्स सी आपके लिए सेल्फ केयर के से मैसेज क्या आ रहा है. ये वीक आपके लिए पूरा सेल्फ केयर का होगा और ये मंथ पूरा, सो स्टे ट्यून. मैं आगे आपको सेल्फ केयर के बेनिफिट्स और यू नो आपके लिए टिप्स ज़रूर शेयर करूँगी इस मंथ में, सो कनेक्ट रहिए मुझसे. ओके. बी स्टिल. And another is aromatherapy. Okay, so you can understand, you know, this is all giving me the message ki
आपको अगर कुछ भी डिसीजंस लेने हैं, सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट कि अपने लिए पहले अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर शॉर्ट भी बता रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका अलग है, इन सब चीज़ों में मिक्सिंग करना। उसके बाद फिर हेड हेड की बातें सुनना, उनकी उनकी चीज़ों को लेके अगर आप अपोज कर रहे हैं, सो एवरी थिंग विल बी डिफरेंट। सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ केयर में अपने माइंड को बैलेंस करना होगा। दिस विल बी देयर जब आप रेस्ट करेंगे, सो द टाइम इज़ टू रेस्ट। ओके, आपको स्लीपिंग थोड़ा ज़्यादा स्लीपिंग जो आवर्स हैं उनको बढ़ाना होगा। आप कम सो रहे हैं या आप यू नो यू आर जस्ट आप कॉन्शियसली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिवली रख रहे हैं, सो द बेटर इज़ कि आप एक एक साइलेंट स्लीप, हैप्पी ब्यूटी स्लीप की तरफ को आगे बढ़ें। ठीक है, तो ज़्यादा सोएं। इसके साथ साथ अनदर इज़ एरोमाथेरेपी। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि आपकी जो यू नो हीलिंग है, जो आपके अंदर एक्टिवेशन होगा, जो पॉजिटिविटी आएगी, वो एरोमाथेरेपी से आएगी। सो यू कैन ब्रिंग द फ्लावर्स टू यू। फैब तो ऑलरेडी एक बहुत ब्यूटीफुल मंथ है। हो सकता है कि अगर आपको ऐसा फीलिंग है कि किसी और को भी ज़रूरत है, आप बुके दे सकते हैं या कोई आपको बुके दे, सो इट वुड बी वेरी बेटर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अपने लिए परफ्यूम बाय कर सकते हैं, या यू नो यू कैन हैव दैट कहीं ना कहीं आप रिचुअल्स लाइक यू नो वी हैव क्लोव, इस तरीके से आप उनकी स्मेल, उनसे आप उनकी फ्रेगनेंस से अपने आप को बूस्ट अप दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू लिब्रा, दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, सो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। फॉर दिस आपके लिए मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर लें। एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर अपकमिंग वीक। बाय, टेक केयर। हाय सजिटेरियस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो लेट्स सी आपके लिए टैरो का प्रेडिक्शन क्या आ रहा है इस वीक के लिए। सो फर्स्ट इज ऑल राइट टू ऑफ कप एंड अनदर इज टेन ऑफ कप। सो सजिटेरियस, आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ, ये जो वीक होगा आपका इज़ ऑल अबाउट लव। ठीक है, इज़ एवरी थिंग इज़ अबाउट योर लव। सो वो आपकी फैमिली कनेक्शन हो, या फिर आपके रिलेशनशिप हो, या आपको लाइक यू नो इमोशनली आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलना हो आपकी वर्क लाइफ से। द टू ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट द लवर्स। ठीक है, सो कर अगर आप किसी का आपकी फीलिंग है, क्रश है, या आप एक मैरिज करना चाहते हैं, या फिर यू नो यू वॉन्ट टू स्पेंड गुड टाइम विद योर पार्टनर, सो ये वीक आपके लिए बहुत ही लवेबल, हैप्पी एंड सपोर्टिव वीक होगा। आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, फाइटिंग कम होगी, और हो सकता है एक दूसरे को सरप्राइजेस दें या फिर गिफ्ट। सो ये वीक बहुत सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और मीट एंड ग्रीट का वीक है। ठीक है, सो हो सकता है कि अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर दिस मैरिज, सो फाइव के फर्स्ट वीक में आपको एक अच्छा प्रपोजल भी मिले जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो। सो एज पर टू ऑफ कप दिस इज़ ऑल लाइक यू आर अबाउट टू रॉक। ओके, सो सजिटेरियस आपके लिए फर्स्ट तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, अनदर इज टेन ऑफ कप। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि आपकी फैमिली बहुत हैप्पी हो रही है, खुश हो रही है बिकॉज ऑफ यू। सो दिस इज़ लाइक कि हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल मिलने के बहुत चांसेस हैं, या आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें फॉर मैरिज। इमोशनली आपकी फैमिली या फिर आपकी जो फ्यूचर फैमिली है, मीन्स यू एंड योर पार्टनर, जो आपकी होप्स हैं, वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगी, आप बहुत खुश होंगे, आप एक फ्यूचर डिफाइन कर पाएंगे, आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। यू कैन सी द लाइक मून एंड मून कंप्लीटनेस, यहाँ कंप्लीटनेस आ रही है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है। एंड दिस ऑल ब्रिंगिंग द मैसेज कि अगर आप सिंगल भी हैं, सो आपकी वर्क लाइफ या आपका रिजल्ट या फिर आपकी एग्जामिनेशन या फिर आप यू आर वेटिंग फॉर सम लाइक यू नो कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई वीज़ा है, समथिंग समथिंग एनीथिंग, फैब फर्स्ट वीक आपको एक गुड न्यूज़ लेकर ही आएगा। ओके, सो ये वीक आपके लिए बहुत इमोशनली हैप्पी रहने वाला है, आप हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, आपका मूड बहुत अपलिफ्टेड रहेगा, यू विल गोइंग टू एनकरेज अदर्स एज वेल। ठीक है, सो बहुत लविंग केयरिंग आ रहा है। अगर आप दूर रहते हैं फैमिली से, तो हो सकता है इस वीक में आपकी मीटिंग भी हो जाए। ओके, सो फैमिली पार्टनर एनीवन, और सो ऑल दी सिंगल्स आपके लिए भी बहुत अच्छा पॉजिटिव है टू ऑफ कप। सो आप मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर से, सो दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट यू। सो सेल्फ केयर कार्ड से मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने लिए सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं। ये वीक एंड ये मंथ पूरा आपके लिए सेल्फ हीलिंग के लिए होगा। सो आप मेरे से स्टे ट्यून रहें इस चैनल पे। सो मैं आपको ज़रूर बेनिफिट्स, टिप्स और यू नो रिचुअल्स आपको बताती रहूँगी।
So first is coming as movement and another is coming as साउंड हीलिंग. सो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है यू नो कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी बॉडी एक्सरसाइज, ठीक है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अब आपको अगर अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बॉडी, आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल होना है, आपको और ज़्यादा हेल्दी होना है, आपको और ज़्यादा अच्छा दिखना है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का अब टाइम है, ठीक है. सो सेल्फ ग्रूमिंग को फोकस करें. यू कैन बाय द थिंग्स, यू कैन हैप्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मूवमेंट है. सो इट्स ऑल गिविंग विद द मैसेज अबाउट योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इस वीक में इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस साउंड हीलिंग, सो आपके लिए साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस वीक में. सो म्यूज़िक सुन सकते हैं, कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, या यू नो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ऐसे जैमिंग या फिर यू नो वो अच्छा म्यूज़िक मतलब यू नो इस फील्ड में है, सो आप उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप म्यूज़िक में म्यूज़िक कुछ लाइक यू नो कंपोज कर सकते हैं या फिर खुद सुन सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट साउंड, दिस इज़ ऑल अबाउट योर हीलिंग. सो अपना टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में, इस हॉबी में, और दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू. सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी एंड यू नो सक्सेसफुल वीक होगा. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. उसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक करनी होगी. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन बाय. हेलो स्कॉर्पियो, नाउ इट्स योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है टैरो की तरफ से, और यू नो ओवरऑल सेल्फ केयर मैसेज आपको क्या बोलना चाहते हैं एज ए हीलिंग. सो इस वीक के लिए और इस मंथ में मैं हीलिंग की काफ़ी सारी टिप्स भी दूंगी. सो कीप ऑन लाइक स्टे ट्यून विद मी. आप मेरे चैनल पे इस वीडियोस को देख सकते हैं इस वीक में, और इस मंथ की मैं सारी वीडियोस अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव, मोटिवेशन एंड यू नो योर ओन हीलिंग एंड योर ओन एनर्जी इस बेसिस पे ही लाने वाली हूँ, बिकॉज द थीम इज़ ऑल अबाउट लाइक लव लव लव. सो फर्स्ट मैसेज अबाउट यू इज कमिंग एज लवर्स, ठीक है. हम यही बात कर रहे थे एंड दिस इज हेयर एंड अनदर इज बर्निंग टावर. वाओ, सो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. सो फर्स्ट थिंग इज दिस स्कॉर्पियो, द लवर्स, यहाँ पर आपके लिए लव, फीलिंग्स, इमोशन, हैप्पीनेस, आपकी आपकी पर्सनल लव, सो आपके पार्टनर, आपका रिलेशनशिप और कमिटमेंटशिप, इससे रिलेटेड ये वीक रहने वाला है, ठीक है. सो ये वीक में हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो यू नो एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ होप कर रहे हैं, सरप्राइजेस देना चाहते हैं, और यू आर प्लानिंग कि इस वीक में यू नो हो सकता है आपके लिए प्रपोजल आए क्योंकि मैरिज का वेट कर रहे हैं. और इवन फ्रेंड जोन काफ़ी ज़्यादा लाइक फ्रेंड के साथ ट्रिप या फिर यू नो कलीग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड आपका रहेगा ये वीक आपके लिए. एज पर दी लवर्स इज ऑल अबाउट लाइक लव, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. ओके, सो स्कॉर्पियो अनदर इज टावर. हो सकता है आपको कुछ चीज़ों को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, वो हेल्थ हो किसी की या यू नो सम एक्सीडेंट हो समथिंग, और या फिर यू नो आपके बॉस आपके ऊपर ज़्यादा शाउट कर दे, आपका एग्रेशन या आपको जहाँ से होप थी वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिली, ठीक है. वो अनट्रस्ट आपका यहाँ पे भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर ही आपके साथ फाइट करें क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इशू आ जाए, या फिर यू नो पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चले, या फिर वो किसी एक्स से बात कर रहे हैं. इस तरीके की कुछ चीज़ें भी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं आपके लिए, वो इमोशनल हो, मेंटल हो, या फिर आपके लिए हेल्थ की हो. एज पर द टावर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ड्राइव सेफ, आई कैन से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें स्पेसिफिकली, एंड अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, एंड calm down your energy, ठीक है. The more you will be very calm, the more you will understand the situation, वो better रहेगा. ओवर रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन देना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा इस वीक में. एज पर द टावर इश्यू इज कमिंग, आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे उसको ये आपको अपने आप देखना है. ओके, सो वो एक डिचनेस भी हो सकती है, बर्डन भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है कि जहाँ से आपको होप थी अपने इंटरव्यू की या फिर अपने लाइक यू नो द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वीक, प्रोजेक्ट आपको चाहिए, प्रमोशन, मनी, वहाँ से वो चीज़ नहीं हो, ठीक है. ओवरऑल इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो पार्टनर के साथ फाइट भी हो सकती है. बट डोंट से लाइक दिस यू नो नाउ इन द कमेंट सेक्शन की मैम दिस इज लवर्स एंड दिस इज दिस. आपकी आपकी लाइफ के इस वीक में बहुत सारे अलग अलग यू नो एलिमेंट्स होते हैं. हमारी एक लव लाइफ है, एक हमारी पर्सनल लाइफ है, एक हम खुद इंडिविजुअल हैं, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, एक हमारा करियर, स्पेसिफिकली हमारी ग्रोथ एज ए स्टूडेंट.
सो दिस इज कमिंग एज इन ऑल फील्ड. ओके, सो वो आपके पार्टनर के साथ आपकी एक अच्छी कनेक्शन हो, दैट इज फाइन. लेकिन करियर में आपको स्टेबिलिटी सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, हो सकता है, ठीक है. सो इट कुड बी इन एनी वे. लेकिन टावर इज ऑल गिविंग द मैसेज अबाउट यू कि अपने आप में ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फाइट एंड गुस्सा लेकर नहीं रहें, ठीक है. नाउ अबाउट योर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर से देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, क्या मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी, लेट मी पुल वन कार्ड फॉर दिस. सो आई एम पुलिंग एज आई एम जस्ट टेकिंग लाइक दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इस तरीके से कार्ड पुल आउट करने का मन हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट आर इंटेंशन. सो दिस कार्ड वॉज कल पुल आउट बाई इट सेल्फ. सो लेट्स सी, फर्स्ट इज फैमिली. ओके, यू कैन सी, यू कैन सेंस नाउ, यू नो द टावर वॉज देयर. एंड अनदर इज मेक एन अल्टर. ओके, सो यू नो दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि आपको एक तो पूजा, दिस इज कमिंग एज वर्शिप. ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जितना ज़्यादा आप एक अपने लिए हीलिंग करेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, उतना बेटर होगा. अगर यू विल लाइक रियली लव टू डू द वर्शिप, आप गॉड के सामने बैठ के भी प्रेयर कर सकते हैं. यू लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ कैंडल्स, बुद्धा एंड क्रिस्टल्स, यू कैन गो फॉर इट. आपकी हीलिंग की ज़रूरत है एंड यू कैन डू दिस बाय वर्शिपिंग. ओके, वर्शिपिंग इन एनी वे, आप जिस तरीके से करते हैं आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. इसके साथ आपके लिए यहाँ मैसेज है फैमिली. सो फैमिली इज ऑल अबाउट लाइक दिस, यू नो द लवर्स कार्ड, आप और आपके पार्टनर, मे बी द फैमिली, यू एंड योर होल फैमिली. सो कहीं ना कहीं कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, हैप्पीनेस आ रही है. सो अपनी फैमिली की तरफ आपका और क्लोजनेस होगा और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है बहुत ज़्यादा अपने आप में ही अकेले अकेले अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यू नो हैंडल करना, डिस्टर्ब होने से बेटर है एज़ पर द हीलिंग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू स्कॉर्पियो. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक करें. और पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके अपने लिए आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है. सो सी यू देयर एंड डेफिनेटली सी यू अगेन इन अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो नाउ द टाइम इज फॉर यू. देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. इस वीक में आप क्या क्या यू नो एक एंजॉय, हैप्पी एंड सेलिब्रेशन ला सकते हैं अपने वीक में. सो टैरो की तरफ से जो भी प्रिडिक्शन होगा आई विल शेयर विद यू. सो फर्स्ट मैसेज इज द हैंगमैन. ओके, अनदर इज ओके एस ऑफ सॉर्ड. सो यू नो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ों में इस वीक में जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं या आपके जो प्लान्स हैं, जो आप यू नो चाहते हैं कि ऐसा हो, उस चीज़ में आप थोड़ा स्ट्रक हो जाए, ठीक है. ये वीक आपके लिए आ रहा है कि जो आपकी जो भी वर्किंग, जो भी प्रोसेस चल रहा है, वो लव, हैप्पीनेस, इमोशंस, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ या आपका ट्रैवलिंग हो, उस चीज़ में आप अटक जाएँ, बीच में ब्लॉक आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग लाइक कि यू आर वेरी होपफुल, आप खुश थे, हैप्पी थे, लेकिन इमोशनली कुछ चीज़ें आ गई, डिस्टर्ब कर दिया, या मेंटली कुछ, प्रोफेशनली मतलब कि यू नो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको रोक लिया, वो डॉक्यूमेंटेशन हो या वो सर्कमस्टेंसेज हो, सिचुएशन हो. सो ये वीक आपके लिए एक तरीके से वर्किंग होगा, बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिव होगा, एनलाइटेड हैं आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर पाएंगे. लेकिन कुछ चीज़ों में आप डिसीजन लेने वाले हैं, हो सकता है या अपनी मैरिज के लिए, अपने प्रपोजल के लिए, कोई मैरिज प्रपोजल है, उन चीज़ों में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, आप अटक जाएंगे, आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि आप किधर जाएँ, आप अपना माइंड यूज़ करें या अपनी इमोशन यूज़ करें. इस तरीके से आप बीच में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिख रहा है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कैप्रिकॉर्न आपके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड. दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि डोंट वरी एट ऑल. आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपकी जो अपने जो माइंड सेट है, वो बहुत क्लियर है. यू नो वॉट यू वॉन्ट, आप उस पर फोकस करें, ठीक है. ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके क्लियरिटी दे देगा. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ दिख रही है. हो सकता है यू नो आपको एक करियर में अपॉर्चुनिटी दिखे या फिर आपकी तरफ एक अच्छा प्रपोजल दिखे, जिसको देख के आपको अच्छा ऐसा फील होगा कि येस यू कैन गो फॉर इट, ठीक है. वो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो, वर्क लाइफ हो, एक अच्छी जॉब हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, समथिंग लाइक कि जिसमें आप अपने आप को, अपनी पोटेंशियलिटी को शो कर पाएंगे. और अगर आपके पार्टनर के साथ अनक्लियरिटी हो रही है, मीन्स यू नो यू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग्स गोइंग ऑन, फाइट एनीथिंग, या आप डिस्टर्ब हैं, आपको नहीं पता कि आपको उनके साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं, सो इस वीक में उस चीज़ की क्लियरिटी मिल जाएगी, तभी आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहे हैं. माइंड एंड योर
हार्ट दोनों कॉन्फ्लिक्ट में हैं और यहाँ पर आप इस चीज़ की क्लियरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। सो एट लास्ट इस वीक के अंदर आपको वो डिसीजंस में क्लियरिटी मिल जाएगी, यू विल गोइंग टू विन, आप ही आगे फॉरवर्ड होंगे, आपके लिए एक अच्छा यू नो आइडियाज़ या फिर जो भी कुछ लॉजिकल रियलिटी बेस्ड आपके जो फैक्ट्स हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें इस वीक में, ओके। डिटेलिंग वेदर जा सकते हैं क्या नहीं जा सकते, डॉक्यूमेंट क्या है, कितना अलाउ है, क्या कुछ है, ये सब चीज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लाइक फैक्ट्स फाइल एंड एवरीथिंग, ओके। सो कैप्रिकॉर्न दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक समथिंग जहाँ आप अपनी चीज़ों को बहुत ईजिली मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो सकता है, ओके। सो इमोशनली हो सकता है आप थोड़े से अपसेट रहें, वो कुछ भी चॉइस हो सकती है, जहाँ का प्लान था वो नहीं हुआ, ये हो सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेल्फ हीलिंग। सो सेल्फ हीलिंग मैं इस मंथ में आपके लिए हीलिंग के लिए नए नए टिप्स बेनिफिट्स एंड रिचुअल्स बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। यहाँ पर मैं इस वीक के लिए आपको बताने वाली हूँ कि क्या मैसेज है, ओके। बिकॉज सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट और ये जो मंथ है वो सेल्फ लव का है, सो हमें वाई नॉट टू स्टार्ट विद आवर सेल्फ, ओके। सो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, ओके। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने लिए दूसरों के लिए यू नो जो जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, जो आपके लिए हमेशा खुश रहे हैं, जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, लव किया है, उनको गिफ्ट, उनको थैंक यू नोट, उनको यू नो कहीं ना कहीं पार्टी ऑर्गेनाइज करना, उनके साथ इन्वॉल्व होना, ये आप कर सकते हैं। इससे आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, इसमें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यू विल बी हैप्पी, ओके। सो राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, कहीं ना कहीं किसी को लेटर, या इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया, सो आप अपने यू नो फॉलोअर्स को, आप अपने जो आपके साथ जुड़ी हुई जो यू नो एक ग्रुप है, आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, आप अपने अपने कलीग्स को थैंक यू बोल सकते हैं, आप अपने बॉस को थैंक यू बोल सकते हैं। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट दिस, ओके। सो बी हम्बल, बी ग्रेटफुल। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, सो हियर इट इज, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग, ओके। दे आर सो ब्यूटी रिचुअल, ओके। सो टाइम इज ऑल अबाउट फॉर सेल्फ केयर, सो नाउ द टाइम इज टू डाई अप योर हेयर, यू कैन यूज़ योर नेल पेंट, यू कैन शॉप, यू कैन बाय समथिंग फॉर यू, आप अपने लिए कुछ भी यू नो समथिंग रिलेटेड टू द कॉस्मेटिक्स, समथिंग रिलेटेड टू द आउटफिट्स एंड एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर केयर, ठीक है। आप पार्लर जा सकते हैं, आप सैलून जा सकते हैं, यू कैन टेक द लाइक द स्पा हीलिंग, एनीथिंग एनीथिंग। सो दिस इज ऑल कमिंग एज ब्यूटी रिचुअल, सो अपने लिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका मन है, इट्स अ स्मॉल थिंग और अ बिग थिंग, आप अपने लिए कर सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड, सो बोथ द थिंग्स आर गिविंग मी वे टू मच कनेक्टिंग मैसेज की द टाइम इज ऑल अबाउट टू लव अदर्स एंड यू नो लव योर सेल्फ, सो इट्स ऑल अबाउट लाइक शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है। सो आई होप कैप्रिकॉर्न आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए वेबसाइट का लिंक वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो जाके आप मेरी रीडिंग बुक कर लीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर। Hello Aquarius, I hope you all are doing so well. So now let's see what is coming for you as a message, as a guidance and prediction from the tarot. So ये week आपका कैसा रहेगा Aquarius, let's see. Okay. All right. This is Ten of Cup. And another is coming for you, the Star. So you know this week Aquarius, water sign everywhere, water sign. So Aquarius, आपके लिए ये week काफ़ी ज़्यादा emotional रहने वाला है, emotional satisfaction, healing, happy, family bond, हो सकता है आपका कोई celebration हो, birthday, and you know your family having some like good अनाउंसमेंट और समथिंग, या आपके लिए कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पर फैमिली कार्ड भी आ रहा है, आपकी फैमिली आगे के लिए फ्यूचर के लिए एक अच्छा बॉन्ड, ठीक है। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ आप अपने आप में सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे, सो आई होप दिस विल गोइंग टू वर्क फॉर यू, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है आपके लिए, और एज पर दिस स्टार आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी इस वीक में। आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, इस वीक में अपने लिए विश कीजिए, फ्यूचर के लिए इमेजिनेशन कीजिए, इट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू, ऑलराइट। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट योर बैलेंस ऑफ एनर्जी, एंड आप फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करें। बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, एग्रेशन, फाइट इस वीक में आपके लिए नहीं है,
आप हैप्पी रहेंगे और कंप्लीटनेस आ रही है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है टाइम स्पेंड करें बहुत ज़्यादा, या अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा इंजॉय करें, या अच्छा प्रपोजल आए जो आपके लिए कंफर्म हो जाए, ओके, मैरिज से रिलेटेड। सो लव इन एनी वे मीन्स इमोशनली सेटिस्फैक्शन, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके लिए ग्रोथ, करियर में हैप्पीनेस, आपको एक सेटिस्फैक्शन यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड फील करेगी क्योंकि आपका एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, या आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, या आपका यू नो यू कहें यू आर रिसीविंग द यू नो वेलकम और थैंक यू नोट फ्रॉम समवेयर, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है जिसकी वजह से हैप्पीनेस रहेगी। सो एक्वेरियस, ये वीक आपके लिए बहुत विक्ट्री वीक है, सेलिब्रेशन वीक है, हैप्पी वीक है। ओके, इसके साथ आपके लिए देख लेते हैं आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहे हैं, और सेल्फ केयर मैसेज मैं इस पूरे मंथ में बताऊंगी आपको, और ये इट्स दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, सो स्टे ट्यून विद मी। आप इस के साथ मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं अपकमिंग टाइम की, बिकॉज दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट लव और सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज़ अबाउट यू एनर्जी वर्क, ओके, सो एनर्जी वर्क इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू योर चक्रास, एंड अनदर इज ड्रिंक टी। सो ऑल द टी लवर्स, सबसे पहले मैं यहाँ बता देती हूँ एक्वेरियस, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा हैविंग द टी और कॉफ़ी, एनीथिंग, एनी बेवरेज। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट टी, दिस इज़ अबाउट योर अरोमा हीलिंग, ठीक है। सो आप एक मेडिसिनल टी जो होती हैं, जो हमारी हर्ब्स से रिलेटेड टी जो होती हैं, आप उनको अपने लिए अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं, that will definitely going to heal you, okay? I hope this will definitely going to work for you. इस वीक के लिए जो हर्बल टीज हैं उनको आप यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें आप यू नो कैमोमाइल और एनीथिंग जो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर इट। सो आपको एक तरीके से हर्बल टी, और यू नो वी हैव इन आयुर्वेदा वी हैव काढ़ा एंड वी हैव अदर लिक्विड एज वेल, जो हम यू नो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के लिए लाते हैं टॉक्सी जो एनर्जी होती है उसको रिमूव करने के लिए। सो यू कैन हैव दिस, आप वो भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है विद दी बेवरेज, ओके। सो डिटॉक्स, डिटॉक्स विद दी मिंट, डिटॉक्स विद दी तुलसी, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, डिटॉक्स करना है अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी हीलिंग। सो आपकी एनर्जी, आपके चक्रास बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो आपको बैलेंस करने होंगे। सो आप मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एंड आप अपनी एनर्जी को किसी भी वे में जो आपको एक यू नो एक एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाए, वो रीडिंग भी, स्पिरिचुअल रीडिंग भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर एनर्जी, ओके। एनर्जी वर्क करना है, एनर्जी वर्क लाइक क्रिस्टल्स, यू कैन बाय क्रिस्टल्स, यू कैन बाय सम इंसेंस स्टिक, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप बुद्धा से रिलेटेड कोई भी बुक रीड कर सकते हैं, एनीथिंग, ओके। सो आई होप आपके लिए जो यहाँ पे चक्रा हीलिंग आया है, चक्रा हीलिंग से रिलेटेड आपको कुछ करना है, सो गो फॉर इट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो जस्ट मैसेज मी हेयर ऑन द इंस्टाग्राम, या आप मेरे वेबसाइट से जाके डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या मेरी यू नो प्रेडिक्शन आ रहा है, चारों की तरफ से गाइडेंस आ रही है, और मैं एनर्जी हीलिंग भी आपके लिए बताऊंगी, आपके लिए हीलिंग के लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। सो फर्स्ट लेट्स सी, ओके, टेम्परेंस वाटर साइन एवरीवेयर, एंड द अनदर वन इज कमिंग फॉर यू, पेज ऑफ पेंटिकल। सो पाइसिस, फर्स्ट थिंग इज टेम्परेंस, कहीं ना कहीं आप अगर अपनी होप को ख़त्म कर रहे हैं, इस वीक के अंदर आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है, वो मीटिंग विद योर पार्टनर हो, या आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल हो, या आपके लिए एक अच्छी जॉब में एक होप, यू नो करियर ग्रोथ, या फिर एक अच्छी सैलरी, या क्रेडिट, या अप्रिशिएशन, प्रोजेक्ट, एनीथिंग। Temperance is all giving me the message ki have patience, relax your energy and your wish will going to come true. You have already go through with lots of things, struggle, everything. So ye week mein aapko jis tarike ka aap deserve karte hain, jo aapke hisse ki khushi hai, aapke hisse ki jo expectations hai, you know, aapki growth, aap जो भी चाहते हैं अपनी विश में, आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको चीज़ें इस वीक में उसकी तरफ बढ़ती हुई यू नो आपकी ग्रोथ, आपकी जर्नी आपको दिखेगी, ओके। सो टेम्परेंस इज ऑल अबाउट योर वाटर साइन, बैलेंस योर वाटर साइन मींस बैलेंस योर
एनर्जी बैलेंस योर इमोशंस। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा ये कि कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, होपफुलनेस उसकी जगह आप होपलेसनेस नहीं हो, ठीक है। सो टेम्परेंस की हैव पेशेंस, आपकी विशेस पूरी होंगी। ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा, गुस्सा एग्रेशन नहीं रहेगा, एक बहुत ही फ्री फ्लो में आपका इस वीक में होने वाला है। आपको छोटी छोटी हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन इस वीक में आपको मिलेंगी। ओके, सो इसके साथ साथ आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ, अपना करियर, अपने अगर एग्जाम्स एनीथिंग, उसमें आपका हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गो फॉर इट। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन चाहिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, सो पुट योर एफर्ट्स। ओके, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज के बेसिस पे करियर में आगे लीड कीजिए और कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। न्यू आइडियाज़, नया बिजनेस, न्यू ग्रोथ आ रही है, नया कोर्स लर्निंग आप ले सकते हैं। इस वीक में आपके लिए एफर्ट्स आ रहे हैं कि आपके एफर्ट्स क्या हैं, ठीक है। सो इस वीक में आपके लिए आपकी पेंटिकल फिनेंशियली व्हाट यू आर पुटिंग फ्रॉम योर साइड, आप अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये इस वीक का सा ओवरऑल यू नो एक समराइजेशन है। सो एज पर द टेम्परेंस एंड एज पर द पेज ऑफ पेंटिकल, ये वीक आपके लिए बहुत स्पेशल रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। ये वीक आपके लिए ज़्यादा वर्किंग होगा कि आप ज़्यादा पुट ऑन कर रहे हैं, रिसीविंग कम हो रही है लेकिन यू आर पुटिंग। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट कि हैव पेशेंस एंड अपने कर्म करते जाइए, बिलीव इन योर कर्मा, और वही आपके लिए बेटर है, ठीक है। अपनी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेकर आए या कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, दिस इज रियली गोइंग टू अपसेट यू। एंड अगर किसी जॉब का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। ओके, नाउ अबाउट अदर थिंग, हो सकता है पेशेंस से आप अभी एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी चाहते हैं, बहुत वेट कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर का हो तो अभी उसके लिए पेशेंस आ रहा है, सो अभी आपको वेट करना होगा, ठीक है। इमोशनली किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे भी आप वेट कर रहे हैं, सो द टाइम इज़ कि येस, अभी आपको थोड़ा और वेट करना होगा, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम द सेल्फ केयर, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स हैं, ये जो मंथ है पूरा ही मैं उसमें आपको हीलिंग की टिप्स, बेनिफिट्स एंड रिचुअल्स बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आप मेरी वीडियोस में कनेक्ट रह सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो फॉर दिस वीक, सो आई एम जस्ट पुलिंग आउट वन कार्ड। आई एम टेकिंग लाइक दिस बिकॉज आई एम फीलिंग सो, बिकॉज दे आर सो सो स्टिकिंग विद ईच अदर। ओके, सो फर्स्ट इज रीड। ओके, रीडिंग आ रही है इस वीक के लिए। एंड अनदर इज, लेट मी पुल आउट वन कार्ड, मेक अ मील। ओके, सो पाइसेस आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, इस वीक में आपको एक तो रीडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग, हीलिंग, स्पिरिचुअल बुक, एनीथिंग, द टाइम यू शुड स्पेंड मोर इन द रीडिंग। आपकी हीलिंग होगी, सेटिस्फैक्शन, मेंटल डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं वो सब चीज़ों से आप हील अप हो जाएंगे, ठीक है। सो वो बुक आप रिलेटेड टू योर लर्निंग भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके कुछ एग्जामिनेशन हो तो आप रीड ही करेंगे इस वीक में। सो इससे कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि रीडिंग ही आपको एनलाइटमेंट के पाथ पे लेके जाएगी। ओके, सो रीड मोर, रीड, अगर आपको रीडिंग बहुत अच्छा लगता है या नहीं भी अच्छा लगता है तो बाय अ बुक फॉर योर सेल्फ और अपने आप को गिफ्ट करें और अपने आप उसको ज़रूर रीड करें। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है मेक अ मील, सो एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी प्लान डाइट का आपको रखना होगा इस वीक में, ध्यान देना होगा फूड के ऊपर, खुद भी बना सकते हैं, सैलेड पे जा सकते हैं, हेल्दी वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं, ठीक है। सो इट्स मोर अबाउट कि आप अपना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करें अपनी सेल्फ केयर पे, वो फूड हो या रीडिंग हो, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टीड ऑफ दिस कि आप ओवर थिंक करें या फिर इम्पेशेंट हो जाएं कि क्यों नहीं हो रही कुछ चीज़ें। ओके, सो डाइट एंड रीडिंग इज कमिंग फॉर यू फॉर दिस वीक। सो आई होप पाइसेस आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक करें। और अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो गो एंड विजिट एंड बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ। सो दिस इज ऑल, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।